हालेलुया, स्वागत है आप सबका। आइए आज हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। अपनी परिस्थितियों को गवाही में बदलना। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 43 आयत में लिखा, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियां आती हैं, परंतु यह आपके हाथ में है कि आप अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदलें और एक बड़ी गवाही को ग्रहण करें और अपनी सकारात्मक परिस्थितियों को बनाए रखें। यह दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। जैसा कि जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में पढ़ें, तो लिखा है कि यूसुफ का पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यूसुफ उनकी गलतियों को अपने पिता को बताता था। इसी कारण उसके भाइयों ने यूसुफ को भेड़ बकरियां चराते समय गड्ढे में फेंक दिया और अपने पिता को यह बताया कि यूसुफ मर चुका है। मेरे प्रियो, सिर्फ यही नहीं, बेचे जाने के बाद भी उसके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आईं। अपनी नकारात्मक परिस्थितियां आने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की और ना ही परमेश्वर पर दोष लगाया कि परमेश्वर मैं तो तेरे साथ वफादार से चल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और वह परमेश्वर में बना रहा। जिस देश में वह बेचा गया था उसी देश का प्रधानमंत्री बना, और उसके भाइयों ने उसी देश में आकर उसे दंडवत किया। उसने अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बड़ी गवाही में बदला। मेरे प्रियो, यूसुफ अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को कभी ना बदल पाता अगर वह परमेश्वर में बना ना रहता। इस तरह आज लोग अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हैं। वह लंबे समय तक बच्चा ना होने, गरीबी का ना जाना और लंबे समय तक नौकरी का ना मिलना जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हैं। वह इनको बड़ी गवाही में बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर में बने नहीं रहते और परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं और निराश होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब मसीही लोग ऐसा करते हैं तो वह दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं और फिर वह बड़ी गवाही के साथ खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी हर परिस्थितियों में, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। जैसे यूसुफ ने अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदला और बड़ी गवाही को पैदा किया, वैसे आप भी कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए अंगीकार को आप मेरे साथ बोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं जान चुका हूँ कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदलना मेरे हाथ में है। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बड़ी गवाही में बदलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और इस वचन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन को सुनकर आशीष पाएं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।